हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। लेट अस एंटरटेन यू विद सम बॉलीवुड की गपशप। फेमस यूट्यूबर एलविश यादव जब से बिग बॉस का पार्ट बने हैं उनके साथ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी चल ही रही है। कभी मैक्सिन को थप्पड़ मारना तो कभी स्नेक वेनम केस में अंदर जाना और अब जास खान के साथ एक और कंट्रोवर्सी। लेकिन अब एलविश यादव के नाम पर एक और कंप्लेंट दर्ज हो गई है और ये कंप्लेंट काशी विश्वनाथ मंदिर से है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पॉपुलर यूट्यूबर एलविश यादव जहां भी जाते हैं वो विवाद अपने साथ ही लेकर जाते हैं और उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं अब एक बार फिर से एलविश विवादों में घिर गए हैं और इस बार मामला है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक करने का, जिसका उन पर आरोप लगा है और इसी वजह से उन पर वाराणसी के उपायुक्त ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि एलविश यादव के खिलाफ वकील प्रतीक कुमार सिंह ने वाराणसी के सेशन कोर्ट में लेटर के जरिए शिकायत दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। एलविश यादव जब से बिग बॉस का हिस्सा बने हैं वो आए दिन किसी न किसी वजह से विवादों में घिर ही जाते हैं। पिछले कुछ टाइम से वो कोबरा कांड की वजह से फंसे हुए थे और बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कुछ दिनों तक जेल की हवा तक खानी पड़ी। अब इसके साथ ही उनके साथ ईडी का साया भी चल रहा है। इसी बीच में अब वो बाबा भोलेनाथ की नगरी में आशीर्वाद लेने गए थे और यहाँ पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक करवा ली और अब उन पर एक शिकायत दर्ज हो गई है। एलविश यादव के खिलाफ प्रतीक कुमार सिंह ने वाराणसी के सेशन कोर्ट में लेटर के जरिए शिकायत दी है और प्रतीक कुमार ने पत्र में लिखा, सोशल मीडिया और दूसरे सूचना प्रसारण के जरिए जानकारी मिली कि एलविश यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद तस्वीरें खींची हैं, जिससे मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन वाराणसी पर सवालिए निशान उठा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। वहीं लेटर में आगे लिखा गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार हो रहे कैमरे के इस्तेमाल से दर्शनार्थियों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इससे मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने की संभावना है, इसलिए पूरे मामले पर ध्यान लेकर जरूरी कार्रवाई करें। वकील ने आगे कहा कि आज एलविश यादव काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, उसके बाद परिसर में जहां मोबाइल ले जाना सख्त मना है वहां उन्होंने फोटोज क्लिक की। ये मंदिर के अहम नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। एलविश यादव पर दिन बर दिन बढ़ते मामलों और कोर्ट की कार्रवाई देखकर ऐसा लगता है कि एलविश की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन।